सविता नाम है। बेटे तू मेरी जान निकल गई बेटे, उठ 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 खड़ा हो जा। अरे बेटा तेरे को कितनी बार कहा है, ये तेरे बाप का पेट है, रुई का गद्दा नहीं है। तेरे लिए देख कितने मजबूत मजबूत मुड्डे बनवा रखे मैंने, इस पे बैठा कर ना, बैठ जा गोलू। हाँ ते चिपका दी अंदर। सॉरी पापा, लेकिन क्या करूं, होमवर्क ही नहीं हो रहा मुझसे, आप करवा दो ना। अब तो इंदु भी नहीं है जो मेरा होमवर्क करवा सके। क्या होमवर्क है? हिंदी की टीचर ने माँ की ममता के ऊपर निबंध लिखने को कहा है, मैंने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। मैं तो तेरी मम्मी का चेहरा एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलता बेटे। सही टॉपिक दिए है तेरी टीचर ने, पर तेरी मम्मी इतनी गुणी थी बेटा, निबंध में तो समाएगी नहीं, वो उपन्यास लिखना पड़ेगा उसके लिए। फिर भी कोई बात नहीं, बिठाते हैं उसको निबंध में, लिख। तेरी मम्मी जो है चोरी चकारी से उसको नफरत थी, करोड़ डेढ़ करोड़ कोई भूल जाए ना सवाल ही नहीं उठता, वो उससे हाथ लगा दे। चतुर बहुत थी तेरी मम्मी, कहां से कैसे नींद चुरानी है, दिन में शाम में दोपहर में जगह निकाल के कहीं ना कहीं सोई जाती थी, वो स्मार्ट फिगर मेंटेन करके रखती थी अपना, ए पतली सी थी बिल्कुल। ममता तो इतनी उसमें कूट कूट के भरी हुई थी ना बेटे, पिज्जा के लिए समोसों के लिए पराठे देख के तो रो देती थी तेरी मम्मी, इतनी ममता भर गई उसके अंदर, वो समा नहीं पाई, घर से बाहर निकल ली दुनिया में ममता लौटाने के लिए, इतनी प्यारी थी। अरे ओ मुन्ना क्या बोल रहा है, कब से ऐसा निबंध लिखेगी ना तो टीचर शिकायत लेकर घर पहुंच जाएगी। हाँ तो जैसी वैसी लिखवा रहा हूँ मम्मी, मदर टेरेसा कैसे बना दूं उसको। अरे चुप कर, सर बेटा आ जा, मैं तुझे निबंध लिखवाती हूँ। अरे जा बाजार से है ना, घड़ा लेकर आ जा। इसके कुछ भी फालतू कुछ भी मंगवा रही क्या मम्मी मेरे से, घर के खड़े हो क्या हो गया? कहाँ बताऊ मैं तुझे अब। ओहो गजनी, मोहे पन घट पे छेड़े नंद लाला, ओ मोहे पन घट पे छेड़े नंद लाला। ओ पन घट पे कौन? पन घट पे फोन बोलिए। हेलो, क्या ये ऋषि कुमार का घर है? होगा, देखिए उनका एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें जिस हॉस्पिटल में लाया गया है मैं वहाँ का डॉक्टर बोल रहा हूँ।